अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं सबके। आज बस है जनाब ईद का तीसरा दिन, और पहला दिन भी आपको पता बच्चे घर थे, दूसरे दिन भी दावत थी घर में, तो आज तो भाई आपको पता आफत आनी आनी थी कि बस हमें बाहर लेकर जाओ। हम लोग बाहर नहीं गए, झूले लेने के लिए जाना है, और जब तक झूले ना ले लो, बाहर का चक्कर ना लगा लो, तो जी ईद तो पूरी होती ही नहीं ना। तो ख़ुद को भी आता है कि अच्छा चलो ठीक है, ईद ज़ाहिर है तो तीसरा दिन है, जब तक करके ईद मुकम्मल ही ना हो जानी भाई, समझो कि जान नहीं छूटनी। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेट्रो स्टेशन का ऊपर जो पुल है ना, वो जो मेट्रो ट्रेन लाहौर में चलती है, ये उसका ऊपर से ब्रिज है, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। जिस टाइम मेट्रो ट्रेन चल रही हो ना, उस टाइम बड़ा खूबसूरत लगता है। वैसे तो खैर इस टाइम अंधेरा बहुत ज़्यादा था। बस जनाब हम लोग जा रहे थे एवेन्यू मॉल, और ये इन्होंने एवेन्यू मॉल के बैक साइड पर ना फ़ारूक हॉस्पिटल की ब्रांच की है, तो उन्होंने मेन पर इतना बड़ा ये लगा दिया कि वो लगता ना मॉल कम और फ़ारूक हॉस्पिटल ज़्यादा ही लगता है। लेकिन ये है कि अंदर इसका ना मॉल और अंदर प्ले एरिया, प्लेडियम वगैरह बहुत खूबसूरत है। बस जनाब बातें करते करते देखिए हम लोग पहुँच भी गए हैं। अब यहाँ पर इतना रश था ना, वैसे भी बताने का क्या फ़ायदा है, हर किसी को पता है कि ईद के दिनों में क्या हालत होती है भाई। और आज ईद का तीसरा दिन था, तो मुझे लगता है कि सब ने एक ही काम के लिए आए हुए थे, सबके बच्चों ने टिकने नहीं दिया। तो बस हम लोगों ने बेसमेंट में ना कार पार्क की, वो भी मेरे ख्याल से हमें कोई थर्ड बेसमेंट जाकर ना, यानी B3 मिला हम लोग को वहाँ पर जाकर, तो हमने पार्क की, तो बस आ गए हैं ऊपर। अब ऊपर जो है ना सबसे ऊपर फूड कोर्ट है, और साथ इनका प्ले एरिया है। फूड कोर्ट इनका इतना खास नहीं है कि अभी यहाँ पर बैठ कर ना कुछ खाया नहीं जाता, एक दो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं मैक्सिमम, वो भी मतलब हमारे काम की नहीं है। तो बस यहाँ पर ना ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे थे, उन्होंने सारा ना ये वाला टेम्पोलिन वगैरह हर चीज़ ये रखी हुई थी, तो ये सारे माँ बाप जो थे ना, ये भाई बच्चे छोड़ के ना अपना एंजॉय करने के लिए निकले हुए थे। और ये ऊपर से बच्चे इतने लग रहे थे ना शरारते करते हुए, ये देखें जिस तरह मक्खियाँ नहीं पुड़क रही ऊपर, ये अब इतना ऊंचाई है ना, तो मतलब कैमरे के साथ इस तरह लग रहा है कि बड़ा करीब है, लेकिन ये बड़ी हाइट है ऊपर से नीचे देखा ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस ये चलते हैं अब अंदर जाकर ना, तो सबसे पहले कार्ड लेते हैं, और कार्ड क्या लेना था, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ये बनाया हुआ था ना, जो मतलब बच्चे खड़े हों ना, तो ये बिल्कुल बच्चों का ना एक पोस्चर सा बन जाता है, एक पूरा निशान बन जाता है। तो ये बच्चों ने वो क्या बनाना था, ये ना खुद से ही बस इसको प्रेस करना शुरू हो गई, ये स्मारा से ही खड़ी थी, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ खड़ी थी ना, तो उसका स्टैचू सा बन गया था। बस इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी शरारतें की, तो चलते हैं अभी कार्ड लेने के लिए। यहाँ पर आप ना बिल्कुल तबाह हो जाते हैं बस, तो चलो भी कार्ड वगैरह ले लिए, अब चलते हैं बच्चों की राइड्स की तरफ। और बड़ा ही रश था कसम से, बच्चों की वजह से आ जाते हैं, लेकिन बाद में ना बंदा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ना रश से घबराहट बड़ी होती है, पता नहीं क्यों, शायद क्यों अब इतना मतलब होता नहीं, वरना हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने भी भाई यही सब कुछ ही किया है, लेकिन अब हम लोग ना बड़ा मतलब बड़ी जल्दी थक जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखें कि एक छोटी सी ये राइड के लिए ना इनको इतनी देर खड़ा होना पड़ा, तकरीबन आधा आधा घंटा ना एक झूले पर ना मतलब खड़ा होना पड़ा था। और डोजिंग कार का तो ये हिसाब था ना कि वो हमसे ली नहीं गई, हमने कहा छोड़ो हम लोगों ने ये नहीं लेनी, बस रहने दो। तो बाकी काफ़ी हद तक झूले लिए गए आप देखेंगे, तो बस शुक्र अल्लाह अल्लाह करके बोल के ना, ये जो आगे खड़ी है ना इसको बोल बोल के ना, तो मैंने इनको बिठाया है, क्योंकि इनकी ज़िद ये भी थी कि हमने फैमिली नहीं बैठना जी, हम 5-6 कज़नों नहीं बैठना इसके अंदर, तो बस उस वजह से ना थोड़ा सा टाइम और लग गया। तो यहाँ पर जी ये इंजॉय कर रहे हैं। बस यहाँ पर बस मेरा काम है कि सारे बच्चों के पीछे पीछे फिर ना कार्ड को चलाना, और इनको बस ऑन कर देना कि ये कोई फजूल गेम वगैरह ना मतलब यूज़ करें, जो मतलब सही वाला ना भाई उसी पर बंदा यूज़ करे। एक एक जो गेम थी ना, ये जो मतलब मैक्सिमम छोटी से छोटी है, वो भी 300-400 की पर थी भाई, कार्ड चार्ज कर रहा था ये। तो बस फिर यहाँ पर देखें, ये दोनों ना बारी बारी बॉक्सिंग के थे ना, 3 शॉट्स मेरे ख्याल से मिलते थे, तो एक अस्मारा ने लगाया और 2 यान ने लगाया। यहाँ पर ये छोटे बच्चे जो हैं वो अपने मुताबिक वाली राइड्स ले रहे थे। अब मैं अकेली बंदी किधर किधर भागूँ, कभी उधर उनकी बना रही हूँ, कभी इधर इनकी बना रही हूँ, तो बस इस तरह ना मेरा टाइम गुजर रहा था। तो चल चल के ना मेरी पाँव की जो एड़ियाँ हैं ना, वो इतनी काज दर्द कर रही हैं ना, तो बस कुछ ना पूछे, लेकिन चलो वे बच्चे राज़ी हो जाए। बस यहाँ पर अब स्टार्ट होने लगा यान और इनके बाबा के दरमियान में बास्केटबॉल मैच, बल्कि सारे ही एंड पे ना एंट्री मार जाते हैं, और ये छोटे का तो हाथ नहीं डल रहा था, नहीं तो ये कसर ना छोड़ता बस, तो क्योंकि ऊंचाई हाइट ज़्यादा थी ना, और ये बॉल भारी होता है तो ये उठाया नहीं जाता। तो बस ये देखें, इन्होंने अपना टाइम पूरा करना था फेंक फेंक के।
बस यहाँ पर ये स्मारा ना है अपनी गेम चला रही थी और ये छोटों को साथ ना वहाँ ईद में बिठाया हुआ था। ये क्या मेरे ख्याल से छोटा हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर बना हुआ था, ये वो ले रहे थे। तो ये देखें ये ना अपनी कार रेसिंग वगैरह में लगी हुई थी। बस मैं कहती हूँ जितना जल्दी जल्दी भी कर लो ना तो उतना, मतलब यहाँ पर हमें कुछ नहीं तो 4 घंटे ईजिली लग गए थे भाई, यानी 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, और मुसलसल खड़े होना है। और पता नहीं आजकल के मॉल्स को मैं कहती हूँ क्या तकलीफ़ हो गई है, अल्लाह ही इनको हिदायत दे कि इन्होंने अंदर ना मतलब कोई चेयर बेंच कुछ भी बनाना ही छोड़ दिया, चाहे वो एम्पोरियम है कोई भी है, ये वेन्यू मॉल है, कोई भी मॉल ले लो, मैं एक मॉल की बात नहीं कर रही भाई। इन्होंने ना कोई भी बेंच भी रखना मुनासिब नहीं समझा हुआ कि जो आता है ना वो खड़ा हो गए ना अपनी टांगे ही तोड़ा के साथ जाए। इस बात से तो मैं कहती हूँ सऊदीया बड़ा अच्छा है, जगह जगह पर उन्होंने बैठने के लिए चीज़ें बनाई होती हैं, यहाँ पर इतना पैसा जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर 2 कुर्सियाँ भी लगा ले भाई, जो बेचारे साथ माँ बाप आए हैं वो तो बैठ जाए एटलीस्ट। बस फिर ये अयान ये वीआर ले लिया और हाफिज़ ने लिया, हाफिज़ के बाबा ने लिया क्योंकि ये बीच में थक गया था, बस ये कर कर के, ये ज़रा लंबा था और मज़ेदार भी था और सही हैवी, मतलब जिस तरह बंदे ने गन पकड़ी होती ना इस टाइप का था, बहुत ज़बरदस्त था। तो बस आपको तो मैंने मेरे ख्याल से पहले भी 1-2 ब्लॉग में बताया है कि इनके बाबा भी इन चीज़ों के बड़े शौकीन हैं, वो बच्चों के साथ ना भाई ख़ुद भी बड़े इन्जॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर ना जो जो मतलब उनके मतलब की थी ना वो उन्होंने ली और बाकी बच्चे के साथ, और जो बड़ी लड़कियाँ आई हुई थी वो अपना इन्जॉय कर रही थी, ज़ाहिर है मैं उनको ब्लॉग में नहीं ले सकती। तो बस मज़ा आया, ये शुक्र अल्लाह का इस दफ़ा ईद के 3 दिन हमारे बहुत बहुत अच्छे गुजर गए हैं। अक्सर मतलब कोई ऐसी ईद भी आ जाती है कि मतलब बोरियत भी होती है, मतलब कोई बड़ी बोर गुजर जाती है, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र हमारे 3 दिन बहुत 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 अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे हैं। और बस यहाँ पर अनाया जो है ना वो बॉल वाली गेम खेल रही थी, और अनाया में माशाल्लाह जितनी को पावर है ना आप सबको पता ही है, तो बस इनका बाबा भी फटाफट जिसकी गेम चल रही हो ना उसको साथ साथ जाके ना तो जितवा देते हैं। और इनमें से टिकट्स निकली हैं और वो भी क्या मैं उन टिकट्स को बोलूँ, हमारे बचपन से चलती आ रही हैं कि उन टिकटों का बनता कभी कुछ भी नहीं। और यहाँ पर जनाब ये इसको क्या कहते हैं इस गेम को, मुझे इतना मतलब क्या लिखा हुआ है, सुपर हैकर, ये भी मैं अभी देखकर वॉइस ओवर में आपको बता रही हूँ कि सुपर हैकर है मेरे ख्याल से इसका नाम। तो ये जितना मतलब जोर की लगाओ ना तो वो ऊपर लिखा था कि कौन विनर है और कौन, तो इनका बाबा ये खेल रहा था। और जी ये मेरे ख्याल से लास्ट गेम होगी, और दरमियान में भी इतनी गेमें खेली हैं ना कि मैंने कहा फिर ब्लॉग बोर हो जाएगा, और फाइनली इसी पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना ये गेम खेलने का फ़ायदा हुआ कि इनको टेडी बियर मिल गया, नाया को ये मिल गया, और छोटे बच्चे को भी अनाया के जैसा एक ना वो अहमद को भी येलो मिल गया था। तो ये बच्चे बड़े राजी बाजी होकर जा रहे थे। चलो मैंने कहा शुक्र है हज़ारों के बदले ना यहाँ पर ये छोटे छोटे ना तुम लोगों को कुछ तो मिल गया। तो बस ये जाने का टाइम आ गया, यहाँ पर लग गई दौड़े, अब बच्चे थक गए थे, भूख लग गई थी फुल, तो अब देखें इनकी दौड़े चेक करें, इन्होंने जाते हुए ये भी नहीं कहा हमने नहीं जाना क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी ना। ये छोटा अहमद तो गाड़ी में कहता है अब हम घर तो नहीं जा रहे, हमने खाना खाना है, हमने कहा नहीं नहीं हम घर ही जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जी मैकडोनल्ड का फैसला हुआ, लास्ट बच्चे कहते हैं मैकडोनल्ड खाना है। तो बस ये देखें इतनी भूख है कि कोई लड़ाई का पता ही नहीं है, वरना तो यहाँ पर सुकून से ही आपस में बैठे कभी भी ना मतलब खेलें, लड़ते तो नहीं है इतना आपस में लेकिन खेलते ज़्यादा हैं। बस ये आइसक्रीम खाई और ये लास्ट हम तो दोनों इतने थके हुए थे ना कि हम ऐसे करके बस बैठे हुए थे। और मैं कहती हूँ बच्चे वाकई बच्चे हैं, घर आकर भी इनको कोई थकावट का पता ही नहीं था। चले भाई दैट्स इट फॉर टुडे, बस फटाफट से जाते जाते ना व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जो आपके लिए 3 दिन में टाइम से कितने ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आई हूँ। अब फटाफट से मेरे चैनल को आगे से ज़्यादा जो है ना वो शेयर किया करो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।